जय माँ भगवती। माँ भगवती की आसीन कृपा आप सही दोस्तों में बनी रहे। तो चलिए दोस्तों इसी खुशी में प्यारी सी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप सही दोस्तों का मेरी इस प्यारी सी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। भूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से और मेरे गांव के पंदेरे से। तो दोस्तों अभी के टाइम पे धारे में आया था पानी लेने के लिए। सुबह सुबह काम तो यही रहता है कि अब पानी लेके जाना है। तो अभी के टाइम पे देखिए आप लोग, गांव के ऊपर पूरी धुंध लगी हुई है, कुहरा लगा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उधर की तरफ थोड़ा थोड़ा साफ हो गया है मौसम, पर इधर के साइड में कुहरा लगा ही हुआ है। लगातार कल रात से बारिश हो रही थी और अभी के टाइम पे जो कुहरा लगा हुआ है ना, धुंध, उसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आया था पानी लेने के लिए धारे में। ये देखिए दोस्तों, कल रात ना बारिश भी थी और शोरों ने इतना खतरनाक कर लिया है खेतों का हाल। तो ये देखिए ये देखिए आप लोग, तो सुअरों ने पूरे खेतों का नुकसान कर लिया। तो ये देखिए कल रात सुअरों ने पूरे खेतों का नुकसान कर लिया है और अभी तक धान के जो बलड़े थे वो आए भी नहीं थे। अभी तो पक भी नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं हो पा रहा अभी। यही अब बोलना, तुम बोला क्या आया पोखले है नाराज तुम नाराज ले हो मी कि भाई कन के कन मन खेत छाने ला गुडना है कपा पकड़ी होने लगे छ रात दिन की खेत कर ला तो कन के कन इत कर रुक देना छ असुंगुर ते नुकसान करना छ ने सुंगुर ते नुकसान करना छ ना मैं कन के भगणी ना मनो रह तुम बोलो बरखा लगी छ ना तबेनो बर्थडे बॉय का है। बर्थडे बॉय या जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई तुम दे। तो था मेरा मीडियम में बिजी छु था फोनो को। ये आज भाई जी का जन्म दिवस है, पहले भाई जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हां धन्यवाद। कल साल है आज आप 70 साल। तो हमारे गांव के दूसरे सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं और गांव में वर्तमान में सबसे बूढ़े यही हैं। तो आज 70 साल के हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज जी का सन का छापे था तो आप लोग जरूर बधाई देना। और मैंने सबसे पहले मिली बोलना बर्थडे की बाइल बोली तो 70 साल के हो गए हैं। तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर देना। तो और क्यों जाना था तुम 70 साल हो रहा क्या जा सब करो मेहनत करो, मेहनत करके खाओ कमाओ। हमने भी कुछ दिहाड़ी मजदूर करके खाया कमाया। नहीं पर राज क्या है, मतलब जो तुम्हारे फिट बॉडी जब सिर्फ थोड़ा एक चीज छोड़ी गई मतलब श्वास छोड़ी कोदा जंगोर ना है कोद हमारे ने जो खाया घर का खाना खाया जन्मदिन मुबारक कोदा जंगोरा। अच्छा खाया हमने उसकी ताकत हम पे कोदा जंगोरे के ना। और भैंस का दूध पिया, गाय का दूध पिया, गाय भैंस पाली उनकी मेहनत का अभी भी खा रहे हैं। अभी दांत पूरे हैं ना, दांत खत्म हो गए सब। चलो ठीक ठीक बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रात पार्टी है भाई, बस पार्टी आ रात। धन्यवाद। टाइम पे मैं आया हूँ गायों के साथ आज सार में, गायों को लेके। तो सारे मतलब चारों गाय गांव की गायें इधर की साइड आ रखी हैं। तो ये देखिए आप लोग, तो ठीक ऊपर तक हमारे गांव की गायें हैं, उधर की साइड रलथम फोकरी गांव की गायें हैं, उधर रलथम वन की गायें हैं और यहाँ नीचे बिसड़ वालों की। तो आजकल चारों गांव की गायें इधर ही आ रही हैं। तो चले जी दोस्तों, लगभग 1 बजे का टाइम हो चुका है और बारिश लग चुकी है। तो यहाँ देखिए एकदम पूरा लोड ट्रक आ रहा है पत्थरों से भरा हुआ। तो अभी के टाइम पे ना दोस्तों सारी गायें जा रही हैं घर की तरफ और हमारी गायें भी हैं साथ में, ले जाना पड़ रहा है इन्हें भी। टाइम में दोस्तों देखिए ना, भाभी लोग देखे जा रही है रेलिंग, क्योंकि सुअरों ने ना पूरा खेतों का नुकसान कर लिया है। तो वो रेलिंग लगा के बाड़ करना चाह रहे हैं। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना या खेत, वहाँ तो कर लिया था, पर जब भी मैं आज दिन में गायें चरा के आ रहा था तो वहाँ भी बहुत सारे सुअर थे और सुअरों ने लगातार जो हमारी फसल हो रही है उसका नुकसान करना शुरू कर लिया है।
ठीक है टाइम है दोस्तों, मैं लेके जा रहा हूँ तख्ते। हम लोगों के घर से ना तख्ते मांग के लाए थे टांड बनाने के लिए, तो रखने जा रहा हूँ। और बारिश भी आने वाली है, मतलब बारिश छिड़ा रही है, बारिक बारिक है। जब सारे सट्टे खा लिए, ठीक समय नहीं। तो दोस्तों अभी के टाइम पे ना हमारे गांव के लोग कर रहे हैं बाढ़ सुअर के लिए, और सुअर तक घबड़े पे सब करंट लगा रहे ना करंट। काका कहीं तो मैं पूर्ण नुकसान। तो अभी के टाइम पे मैं आया था तख्ते रखने के लिए, इन्हें ले गए थे मैं टांड बनाने के लिए, जो कि मैंने रख दिए हैं। तीन था खेल मिले, अब दो ही रहने तेरा, ठीक है एक रहने तेरा एक। दोस्तों गांव में लोगों को कुकड़े मिले थे, और केवल 19-20 कुकड़े बचे हैं मूली भाई लोगों के। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 ना। अब 17 अंदर 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 17 कुकड़ा 17 बाहर गेंद भेजे। चलो 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 चलो, ये देखिए आप लोग इनको भगाने की स्टाइल। चल 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 चले दोस्तों। लगभग 2-2.5 घंटे से बारिश लगी हुई है बाहर, बहुत ही भयानक। तो बारिश लगी हुई है, और अब सावन का महीना भी ख़त्म हो गया है, और बोला जाता है कि सावन महीने की खीर भी खानी चाहिए। पर इस बार हुआ कि हमारी गाय तो दूध देती नहीं है, तो हम लोगों से दूध लेके आते हैं, मतलब तो उसमें होता है कि चाय के लिए होता है। तो सावन महीना ख़त्म होते हुए माँ ने ना आज लोगों से दूध और एक्स्ट्रा मांगा, और आज माँ ने बना रखी है खीर खाने में। तो ये देखिए दोस्तों, माँ बोले कि अभी मतलब सावन महीना ख़त्म होने के लिए कुछ दिन बाकी हैं, अभी केवल बर्थ ही बर्थ ख़त्म हुए ना। तो जो सोना महीना खत्म होने वाला था, जो खीर नहीं खाना सोना महीना ना, वे गंडाल जात होनी। गंडाल की जात, हाँ। तो जो खाँचे सोना महीना खीर। तो दोस्तों माँ बोले कि सावन के महीने खीर खानी चाहिए, अभी मतलब केवल बर्थ ही ख़त्म हुए, से महीना ख़त्म नहीं हुआ। तो बस जो सावन के महीने में खीर नहीं खाता है, उसकी गंडाल की जात होती है। गंडाल जो अमृत गंडी गंडाल, हाँ। तो ये गंडाल जात होने वाला है, तो ये ले मिल बोली सर, जब मैं तो दूध दे दिया ना खीर बड़ा सोना मैंने। तो ये देखिए मैंने खत्म हो नहीं चाहो हो नहीं चाहिए, तो मैं पहले सोना मैंने से पहले खीर खा लेना, जब तक खत्म हो से पहले 2 दिन पहले खीर खा लो। तो ये देखिए दोस्तों, सावन महीना खत्म होने में भी 2 दिन बाकी हैं, और माँ ने बना रखी है खीर। तो और कौज किस में डन देना, हाँ दे रहा हूँ जान में, तुम्हें दी दे दी बात किस में से।